जय हिंद साथियों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एसएससी एग्जाम्स और एग्जाम पोर्टल पर। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। आज के सेशन की शुरुआत दो लाइनों से करूंगा कि मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, तू सोने सा चमक उठेगा, थोड़ा सा मेहनत की आग में जल जा। साथियों, आज के सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आज के हम लोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि बुक्स एंड ऑथर्स है आपका। रिसेंट में जनवरी से लेकर अब तक की जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं, वो इस पूरी क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं मंथ वाइज, कि जितने भी पुस्तक एवं लेखक हुए हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो लास्ट तक रहिएगा, ट्रिक सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और सभी लोग यहाँ पर लास्ट तक रहिएगा। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ में शेयर करके भी आ जाइए। और आप सभी को मैरी क्रिसमस, ठीक है। हाँ, आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो चलते हैं हम सीधा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई ममता बियॉन्ड 2021 नामक एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया है। और ये विमोचन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है। ममता बियॉन्ड 2021 एक पुस्तक है, वो किसके, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट से इसका आंसर बताओ आप सभी कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी ने आंसर करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करके आएंगे अपने सभी साथियों के साथ में। जी हाँ, चल आंसर इसका ए नहीं होगा, आंसर इसका सी नहीं होगा। दो ऑप्शन हटा दिए मैंने, एक और अब दो ऑप्शन बचे हैं, अब आंसर सही बता दो। और इसको मैं कई एक बार आई थिंक आप लोगों को करा चुका हूं। ममता बियॉन्ड 2021 नामक एक पुस्तक है, उसके पूछे गए हैं आपसे। चलो अच्छा, बी आंसर होगा, आंसर होगा डी, जयंत घोषाल इसका सही जवाब होगा। ठीक, आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर जयंत घोषाल हो जाएगा। ठीक, ये इनके द्वारा लिखी गई और अरुण जो आपके सिन्हा जी, ठीक है, जब हम यहाँ पर बात करें, एक अरुणव सिन्हा जी हैं, उनके द्वारा इसका अनुवाद किया गया, अरुणव सिन्हा जी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, डी इसका सही जवाब होगा। और इससे संबंधित और पुस्तकें हैं, जैसे पूछा जाए कि किसके द्वारा लिखी गई है, लिखित पुस्तक पूछी है कि किसके द्वारा लिखित है, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 एक पुस्तक है जिसका टाइटल है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 से। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका विमोचन किया गया है, तो इसका अयाज मेनन के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है, अयाज मेनन। नमस्ते जी, ठीक, चल तो यहां से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनेगी। और हाल ही में किसके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लेग पर एक पुस्तक लिखी गई है, किसके ऊपर लिखी गई है, तो वो अमित रंजन, ये रानी लक्ष्मीबाई जी के वकील हैं, वकील जॉन लेग पर एक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अमित रंजन। रानी लक्ष्मीबाई के वकील कौन है, जॉन लेंग है, और उनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है अमित रंजन जी के द्वारा। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कभी कभार क्वेश्चन, आप जैसे ये करंट का सवाल करंट में रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए रानी लक्ष्मीबाई के वकील का नाम क्या है। तो जॉन लेंग आपको जो है यहां से याद रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, उसी से संबंधित और प्रश्न है। जैसे एक सवाल पूछा गया है, यहाँ पर लिखा है कि एक लिखित पुस्तक है, किसके द्वारा लिखित है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क,
एक पुस्तक है जिसका टाइटल है राज कपूर द मास्टर एट वर्क। ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो राहुल रवेल जी का नाम आपको यहां से याद रखना है। राहुल रवेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, राहुल रवेल। ठीक, इंपॉर्टेंट बनेगा, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड ही प्रश्न है ये सभी। ठीक, अभी मैं ठीक हूं, कल से आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। हाँ, पिछले 2-3 दिन से तबीयत सही नहीं थी, हालांकि आज भी हेडेक है, सर में दर्द है, लेकिन वो कल तक कवर हो जाएगा। तो आगे देखो, अगला प्रश्न है कि द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पूछा गया है। ये एक किसके द्वारा, उनका खुद का संस्मरण है ये, उनका खुद का मेमोयर है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। ये किसके किसका है कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पूछा जाए? तो यहां पर रजनीश कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। मैं 100% लिख के गारंटी दे रहा हूं आपको कि यहां से 100% गारंटी है, यहां से अगर बुक्स एंड ऑथर्स का सवाल पूछा जाता है आपसे, अगर बुक्स एंड ऑथर्स का सवाल पूछा जाएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। अगर बुक्स एंड ऑथर्स का सवाल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाना। पूरा मंथ वाइज मैंने यहां पर एक एक क्वेश्चन को निकाला हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट का विमोचन किया गया है। एक पुस्तक है जिसका टाइटल है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसका विमोचन किया गया है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपसे पूछा है, फटाफट से बताइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, फटाफट से आंसर करिए इसका सभी लोग। हाँ, फटाफट से आंसर करिए सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। जब बोस की बात की जाती है, सुभाष चंद्र बोस की बात की जाती है, तो यहां से आपके लिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ये मैंने मोबाइल में लिया, मैंने खोला क्लास को और यहां से लो जी जनाब मैंने शेयर कर दिया, मैंने यहां से ये जाके ये कर दिया शेयर। ये लो जी मैंने जाके कर दिया शेयर, एक बार आप सभी भी कर दो फटाफट से। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, हाँ चल। तो अब यहां पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात करें तो चंद्रचूर घोष जो है वो इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर चंद्रचूर घोष हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे और बात करेंगे हम यहाँ पर इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इससे रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के वकील, अभी जस्ट मैंने बताया था, तो इनके वकील का नाम भी आपको याद रखना है जॉन लैंग। ठीक, किस और किसके द्वारा इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है, अमित रंजन के द्वारा। ये क्वेश्चन बार बार इस क्लास में रिपीट होंगे और ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चंस बार बार आपके लिए रिपीट होंगे और याद भी होते हुए चलेंगे आपको। एक सवाल है, हाल ही में किसने अपने संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया है, अभी जस्ट बताया था मैंने, उनका खुद का मेमोयर है, उनका खुद का संस्मरण है जिसका विमोचन किया गया है, रजनीश कुमार जी का है। किसका है? रजनीश कुमार जी का। ठीक, आगे चलिए। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा लिखी गई किताब है नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी को दिसंबर 2021 में रिलीज किया गया। अभी एक हमने क्रिकेट से संबंधित ही पुस्तक को देखा था, ये उसी क्रिकेट से संबंधित दूसरी बुक है, दूसरी पुस्तक है। यहां पर इसका टाइटल है नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी। ये रिलीज की गई दिसंबर 2021 में और किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको लिखा गया प्रदीप मैगजीन, प्रदीप जी के द्वारा, प्रदीप पत्रिका के द्वारा इसको लिखा गया, प्रदीप जी के द्वारा इसको लिखा गया। अगला एक और जो नई बुक है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्वीट्स एंड ट्रंस का विमोचन किया गया है, तो आसिम चावला, ये इनकी पुस्तक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट बनेगा उसको मैं आप सभी को बता दूंगा। अगला प्रश्न है, बताइए हाल ही में किसके द्वारा लिखित अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया
सेलिब्रेशन 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जनवरी 2022 की बात कर रहा हूं मैं, जनवरी 2022 से लेके और अब तक की जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसको हम इस पूरी क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ वेल डन। फटाफट से आंसर बताइए इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फेमस लेखक है भाई। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाँ चल, तो यहां अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, रस्किन बॉन्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। रस्किन बॉन्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। हाँ आप सभी के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बैच हमारा चल रहा है एक विजय पथ बैच, ठीक, ये बैच आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 60% डिस्काउंट है इस बैच पर। CHSL 60 कोड यूज करेंगे, यू विल गेट 60% डिस्काउंट। एंड अगर हम बात करें, वैसे ये बैच है 1499 का, बस मात्र 599 में ज्वाइन कर पाएंगे। लाइव क्लासेस मिलेंगी, हो सकता है कि अगर बाय चांस आपकी कोई क्लास छूट जाती है गलती से तो उसका रिकॉर्डेड क्लास आपको यहां से मिलने वाला है। साथ ही साथ में क्लास के PDF भी आपको मिलेंगे, ठीक। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जाएंगे, क्लास के PDF वो मिलेंगे जो आपको पढ़ाया जाएगा क्लास। मॉक टेस्ट यहां से आपको मिलने वाले हैं और सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। डाउट सॉल्व जो है वो जूम के थ्रू कराए जाएंगे। अभी आप हमारी क्लासेस को लाइव देखते हैं, आप YouTube वगैरह पे देखते हैं, बाकी जब आप एप्लीकेशन पे ये बैच ज्वाइन करेंगे तो जूम सेशन के थ्रू आप हमारे साथ लाइव जो है डाउट पूछ पाएंगे, ठीक। अच्छा इसमें आपको बुक्स देखने को मिल रहा है, एक ऑप्शन और आ रहा है आपका कंप्लीट पैक का, ठीक है, बुक नोट्स का, क्लास नोट्स, CHSL क्लास नोट्स। तो इस CHSL क्लास नोट्स को अगर आप ध्यान से ऐसे करके देखें, ये मेरे पास, मेरे हाथ में सब नोट्स हैं, ये सब नोट्स हैं मेरे हाथ में। और ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं, एक आपका ये सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का, यानी कि रीजनिंग का है, ठीक। और ये आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान, जिसमें आपके स्टेट वाइज पूरा, जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके इसमें स्टेट वाइज है पूरा, ठीक है, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, पंजाब के बारे में उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब रहेगा, इतना डिटेल में है। इसके बाद में इसी से रिलेटेड आपको इन नोट्स में इसी में आपको MCQs भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक। यही अगर मैं बात करूं, आपका करंट अफेयर्स का भी है, जिसमें सूचकांक एवं रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण समझौते हैं, रक्षा संबंधी जितनी भी आपकी करंट बन सकती है वो है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण दिवस है और उनके मूल जो तथ्य है वो भी इसमें है, सम्मेलन है, जितनी भी समिट्स और बैठक है ये सब इन नोट्स में, ठीक है। बाकी पुस्तकें एवं लेखक भी हैं इसमें, निधन, जितने भी ऑबिचुरीज हुई हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगी, और मिसलेनियस, ये पूरा करंट अफेयर्स का है। फिर ऐसे ही आपका मैथ्स का भी है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ऐसे ही आपका इंग्लिश का है, ऐसे ही आपका यहाँ पर साइंस का है, ये जीके का है। तो आपको ये सारे नोट्स जो है, वैसे तो अगर हम इन नोट्स की बात करें, ये नोट्स आपको 2500 रुपए, जनरली हम किताब एक लेने जाते हैं ना, कोई भी एक किताब लेने जाओगे वो किताब इतनी मोटी तो मिलेगी, मुझे लग रहा है 100% ये मोटाई आपको इस किताब, इस इन नोट्स की दिख रही होगी। अब वो मोटाई से समझ लो आपकी वो किताब मोटी होगी, उसमें कितना कंटेंट होगा, फालतू का भी होगा, वेस्टेड भी होगा, ठीक।
उन नोट्स उस किताब की अब आपको जरूरत नहीं है, सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ना है, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है, वो आपको इन नोट्स में मिल रहा है। ठीक, वो आपको इन नोट्स में मिल रहा है। वैसे ये नोट्स 2499 के हैं, बट मात्र आप 999 में आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। CHSL 60 कोड यूज करना है एंड यू विल गेट 60% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। ठीक है, हाँ चल, तो ये नोट्स जिस जो भी चाहता है वो ऐप पे जाके हमारे इन नोट्स को अपने मंगा सकता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम लोग, और उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसमें जॉब अलर्ट, अनलिमिटेड क्विजेस, ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर, पेड कोर्सेज, फ्री PDFs, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, फ्री प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन, सारी चीजें हम इस बैच में प्रोवाइड, इस एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, हम यहाँ पर बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसकी हमने बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे फरवरी की। जनवरी के जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स थे वो हमने खत्म कर लिया, वो फैब की बात करेंगे, जिसमें हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया गया है। तो इसका फटाफट से आप सभी आंसर करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी ने आंसर करना है, बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे सभी लोग। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बुक्स एंड ऑथर्स से संबंधित प्रश्न है, सभी आंसर करेंगे इसका, कि यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी ने आंसर करना है, सभी ने आंसर करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी आंसर नहीं होगा, डी वालों, रोहित कुमार इसका आंसर नहीं होगा। हाँ ठीक, अब बताओ इसका आंसर, डी इसका आंसर नहीं होगा, आंसर जे साई दीपक जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वेल्डन अनन्या, वेल्डन मिशन वर्दी, गुड। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, जे साई दीपक जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, मिशन वर्दी, ये तुमने वर्दी बैच में पढ़ा होगा। ठीक है, वेल्डन सौम्या, क्लियर है, तो ये आपको यहां से याद रखना है। आगे चलेंगे और हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। देखो कहा गया है कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किया गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक का टाइटल है, ये पुस्तक का टाइटल है, इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बुक है, और इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक। ठीक है, वेल्ड एंड बहुत बहुत शानदार, गुड इवनिंग खुशीराज। हाँ शीतल जी, मैं एकदम बढ़िया हूं। हाँ चल, बहुत बहुत शानदार, बताओ फटाफट से कि इसका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। गुरप्रीत कौर इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, क्या गुरप्रीत कौर इसका करेक्ट आंसर होगा? हाँ, या फिर देखो मैं एक बात आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं सोच लो एक बार कि क्या होगा, सोच लो, तुम लोग हो सकता है कि आंसर तुम लोग गलत कर रहे हो, पक्का कंफर्म हो ना तुम लोग कि आंसर सही है, सोच लो, श्योर गलत बता रहे हो तुम लोग, वैसे आंसर इसका बी और सी नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा, अब बता दो कि आंसर क्या होगा इसका। हाँ गुड इवनिंग, चलो, हाँ चल, पक्का आंख बंद करके, ठीक है, लो जी आंख बंद करके ये आपका सही हो गया। ठीक है, नवदीप सिंह गिल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक है भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स, ये इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए फटाफट से। हाँ गुरप्रीत लगा, कंफ्यूज करना है तो चलो। हाँ चलो, इसका आंसर बता दो मुझे, इसका आंसर बता दो फटाफट से कि इसका आंसर क्या हो जाए। हाँ वर्णन बहुत बहुत शानदार, इसका आंसर जो है, जितने भी बी आंसर कर रहे हैं, जितने भी लोग बी आंसर कर रहे हैं, हाँ
आप सभी का आंसर वर्ल्ड बहुत बहुत शानदार। हाँ, आप सबका आंसर मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप सबका आंसर गलत है। ठीक, आंसर इसका सी सही होगा, जितने भी सी आंसर करना है। ठीक, सी इसका सही जवाब होगा। राजीव कुमार भाटिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इससे संबंधित और भी प्रश्न है, उनको एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे एक आत्मकथा है द अंबुजा स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? एक आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा का विमोचन किया गया है? द अंबुजा स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? हाँ, चल अब बताओ फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा। नरोत्तम शेखरिया जो है, ये नरोत्तम शेखरिया की आत्मकथा है, ये आपको यहां से याद रखना है। और डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक, वेंकैया नायडू के द्वारा। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर गाइज? यहां तक सभी को बहुत शानदार। एक बार सेशन को सभी लोग फटाफट से दम लगा के लाइक कर देंगे और साथियों के साथ में अपने शेयर भी करके आएंगे। ठीक, तो यहां पर आपको याद रखना है द अंबुजा स्टोरी पूछा जाए, नरोत्तम दास और डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड और गवर्नेंस का विमोचन पूछा जाए, तो वहां से आपको वेंकैया नायडू याद रखना है, महत्वपूर्ण बनेगा। आगे चलेंगे, हाल ही में किसके द्वारा जारी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर एक पुस्तक लिखी गई है। एम नारायणवे इसका सही जवाब होगा। और ये किसके द्वारा लिखी गई? एम नारायणवे। और पुस्तक का टाइटल जो रहेगा, वो जारी की गई एक पुस्तक, वो है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। ठीक, जो हुआ था उस पर एक पुस्तक लिखी गई है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो 1971 में हुआ था उस पर एक पुस्तक लिखी गई है। और उस वही पूछा जा रहा है किसके द्वारा लिखी गई? एम नारायणवे जी के द्वारा लिखी गई। और किसकी एक नई किताब है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्वीट्स एंड टर्म्स, अभी जस्ट आपको बताया था, जब बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा तो ये आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आसिम चावला जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? आसिम चावला जो है वो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे चलेंगे बच्चा, आगे देखेंगे हम अगले प्रश्न को। अगला सवाल है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। पेपल नहीं होगा, पेपाल हो। ठीक, हाँ, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल, पेपाल के बारे में यहाँ पर लिखी गई पुस्तक है। अब ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका आंसर सभी बताएंगे, सभी ने इसका आंसर करना है बहुत शानदार और बढ़िया तरीके से। हाँ जी, चलो वेल डन, बहुत शानदार। तो इसके अगर हम सही जवाब की बात करें, इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, जिमी 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 आजा 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 तू आजा मेरे पास। आंसर इस पे एक गाना भी है ना, जिमी जिमी जिमी, तो जिमी सोनी इसका करेक्ट आंसर होगा। द फाउंडर्स स्टोरी पेपाल, पेपाल पूछा जाए तो तुम्हें याद होना चाहिए, जिमी 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 आजा आजा आजा। ठीक, आगे देखो, इससे संबंधित तो और प्रश्न है। जैसे पूछा जाए कि किसके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक पुस्तक लिखी गई और उसका विमोचन किया गया, तो उमा दास जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई? तो वहां से आपको उमा दास याद रखना है। ठीक, इंपॉर्टेंट बनेगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया, तो वो उमा दास जी के द्वारा लिखा गया। ठीक, हाँ, क्लियर। चल चलो,
नेक्स्ट है आपका नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ने NIF बुक प्राइज 2021 जीता है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां से दिनयार पटेल जो है इनका नाम आपको यहां से याद रखना है, ठीक? हाँ, अनन्या कल क्लास आपकी सारी होंगी, शेड्यूल लगा हुआ होगा, ठीक है? शेड्यूल पूरा लगा हुआ है। आगे देखो यहां पर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, इसका विमोचन किया गया है। तो ऐसे रचना विष्ट रावत का नाम आपको याद रखना है, ठीक? रचना विष्ट रावत जी का नाम जो है वो आपको यहां से याद रखना है। टॉपिक पूछ रही हो आप, कल टॉपिक आपके कल मिक्स कराऊंगा मैं, ठीक? ये क्लास 6 बजे तक होगी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम का विमोचन किया गया है? फटाफट से बताएं। चलो हाँ, फटाफट से बताओ इसका आंसर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, उमा शंकर जी आंसर की बात करें तो आंसर इसका अनिरुद्ध सूरी जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? अनिरुद्ध सूरी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक? हाँ चल, वेल डन, बहुत अच्छा, अनिरुद्ध सूरी। आगे देखो रिलेटेड क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग, मैंने आपको बताया था अभी, जस्ट बताया था, याद हो गया होगा अब तो याद हो गया होगा। आंसर इसका क्या होगा? अमित, नाम याद रखना है आपको यहां से, अमित जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। रानी लक्ष्मीबाई के वकील का नाम पूछा जाए, जॉन लैंग आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, हाल ही में किसने अपने संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया है? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये रजनीश कुमार जी के द्वारा। और अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ एक क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो बार बार रिपीट होंगे ताकि आपको याद हो जाए, वो चीजें आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ सर ने ये बताया, सर ने इसका आंसर ये कराया, सर ने ये बताया। किसकी एक नई किताब है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स को जारी किया गया है, ये किसकी नई है? तो सलमान खुर्शीद का आपको याद रखना है, ठीक? आगे देखो यहां से, ये तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, सनराइज ओवर अयोध्या की बात की गई ना, नेशनहुड इन अवर टाइम्स को जारी किया गया है, नई किताब है और सलमान खुर्शीद की किताब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, एक आधुनिक भारत सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ये बुक का टाइटल, ये पुस्तक का टाइटल है, टाइटल क्या है? मॉडर्न भारत फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैज बीन रिलीज्ड, और इसको रिलीज किया गया है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ठीक, चल हाँ, मोनिका आई एम गुड, अंजलि जी वैसे तो सफिशियंट नहीं है बट आप कर सकते हो, ठीक? पूनम दलाल दहिया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक बार डिटेल में सिलेबस तो कंप्लीट करना ही होता है, ठीक है? एक बार डिटेल में सिलेबस तो कंप्लीट करना ही होता है, उसपे पीडीएफ पूनम बिटिया उसपे वीडियो बनाया हुआ है मैंने, ठीक है? उसपे हमने वीडियो चेतन सर ने और हमने बनाया हुआ है। अब हम बात करेंगे मार्च के जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनकी, ठीक है? हाल ही में जारी की गई उंगलिल ओरुवन आत्मकथा किसकी है? उंगलिल ओरुवन जो है एक आत्मकथा है, ये किसकी है? फटाफट से बताएं। वेल डन, बहुत बहुत शानदार, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बुक्स एंड ऑथर्स इसके बाहर नहीं जाएगा बेटा, एक बात का याद रखना, ये बात याद रखना, बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो इसके बाहर नहीं जाएंगे, वो इसके बाहर नहीं जाएंगे। अब हम मार्च की कर रहे हैं ना, तो मार्च के बुक्स एंड ऑथर्स कर रहे हैं,
तो इसके बाहर बुक्स एंड ऑथर्स नहीं जाएंगे, ये आपको आपसे वादा है। हाँ चल फटाफट से बताओ, सोच लो एक बार इसका आंसर। मैं आपको एक काम करता हूं, दो आंसर हटा दिए मैंने, अब ए और डी में से कोई एक होगा, आप बता दो आंसर और सोच समझ के आंसर करना। डी वालों तुम सोच लो, तुम्हें सोचने की जरूरत है थोड़ी। हाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा, उंगलुल ओरुवन। ये आत्मकथा किसकी है, ये आत्मकथा है वाई एस जगनमोहन रेड्डी की नहीं है। आंसर इसका डी हो जाएगा, एम के स्टालिन जी की। किसकी आत्मकथा है, एम के स्टालिन की आत्मकथा है। ठीक है अब तुम लोग समझ गए हो कि गुरुजी थोड़ा सा। हाँ और एम के स्टालिन जो है कहाँ के मुख्यमंत्री है ये भी बता दो, ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर। अब तुम लोग समझ गए हो कि हाँ अब ये खेल जाते हैं सर जो है बता। हाँ चल कहाँ के मुख्यमंत्री है फटाफट से बताओ। चल आगे देखो, इससे संबंधित और भी हैं। किसके द्वारा लिखी गई नई किताब है, द मिलेनियल योगी का विमोचन किया गया है, बुक है द मिलेनियल योगी। इसका ये बुक का टाइटल और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका विमोचन किया गया है। तो आंसर कैप्टन दीपम चटर्जी जो है वो इसका सही जवाब होगा, कैप्टन दीपम चटर्जी जो है वो इसका सही जवाब होगा। ठीक ये आपको याद रखना है। चल बहुत बहुत शानदार। यहां पर देखो फिर है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, आप सोच लो ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंसर की बात करें, आंसर इसका मिथिलेश तिवारी जो है वो इसका सही जवाब होगा, मिथिलेश तिवारी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे इससे संबंधित और क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। जैसे एक पुस्तक है ममता बियॉन्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ममता बियॉन्ड 2021, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, जयंत घोषाल। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ममता बियॉन्ड 2021 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 100% आने की संभावना है। द बोस अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रचूर घोष की पुस्तक है। अरे फेमस राइटर्स है ये सब फेमस राइटर है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है आगे चलो, आगे हम बात करेंगे कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, द ब्लू बुक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ब्लू बुक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई, और फटाफट से बता दो किसके द्वारा लिखी गई। हाँ सभी सभी आंसर करेंगे इसका, वेल डन विवेक। हाँ पीडीएफ दे दूं, अच्छा मोनिका जी, आई थिंक अगर एनबीएस को याद ना किया जाए तो आई थिंक बहुत ज्यादा सही रहेगा। हाँ अब एनबीएस ने दिया कुछ और पूछ कुछ और लिया तो ये तो गलत है ना, इसमें हम अपने आप को ब्लेम करें तो वो वैसे काम नहीं चलेगा ना। अमिताभ कुमार करेक्ट आंसर होगा इसका, अमिताभ कुमार जो है वो इसका सही जवाब होगा। कौन है, ठीक है यहां तक क्लियर है, क्या समस्या है भाई तुम्हें। क्या समस्या है तुम्हारी। चल आगे देखो, यहां पर अगर हम बात करें, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द क्वीन ऑफ इंडियन,
पॉप द अनऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तोफ का विमोचन किया गया है। विकास कुमार झा का नाम आपको याद रखना है। विकास कुमार झा का नाम आपको याद रखना है, ठीक। आगे अगर हम बात करें, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया गया है, तो जय साईं दीपक अभी जस्ट कराया था मैंने आपको, ये जस्ट कराया था मैंने आपको, यहां से आपको याद रखना है। आगे चलो, अगला प्रश्न देखो कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको यहां से याद रखना है। और हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक है भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजंस, ये भी आपको मैंने बताया था, ये राजीव कुमार भाटिया, लेकिन हालांकि नवदीप सिंह की गिल की जो पुस्तक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, बिल्कुल 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 शिवम जी, वेल डन। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, जनता पार्टी के द्वारा कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक किताब मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन करने की घोषणा की गई है, फटाफट से बताएं। हाँ, फटाफट से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, सभी सभी आंसर करिए। चल, बहुत बहुत शानदार। यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, ये इसका विमोचन हो चुका है, इसका विमोचन हालांकि हो चुका है, ठीक। चल, इसका विमोचन हो चुका है अप्रैल 2022 में। आगे देखो, इससे संबंधित प्रश्न, जैसे अभी हमने ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के विमोचन की बात करी थी, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां से आपका जयंत घोषाल का नाम आपको यहां से याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? जयंत घोषाल का। और बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसका विमोचन किया गया है, तो यहां से आपको चंद्रचूर घोष का नाम आप याद रखना। किसका? चंद्रचूर घोष का, ठीक है। हाँ, चल, क्लियर। तो ये आपको यहां से याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसको हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं आपको। एक तो जयंत घोषाल की पुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगी बनेगी, चंद्रचूर घोष की भी बनेगी और गिल साहब की भी बनेगी। मैं ये आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे उनको हाईलाइट करा दूंगा और आपको याद कर लेना, वो क्वेश्चन आपके लिए बुक्स एंड ऑथर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक। आगे चले, इसी से संबंधित एक रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, जो भी इजिप्ट की, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, रस्किन बॉन्ड की, वो है आपकी अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, ठीक है। बताए फटाफट से इसका आंसर करें, फटाफट से इसका आंसर बताएं आप सभी कि इसका आंसर क्या होगा, सभी ने आंसर करना है। हाँ, चलो, क्लियर। हाँ, बहुत बहुत शानदार। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न है और आपकी स्क्रीन पे क्या पूछा गया है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर और वरिष्ठ पत्रकार आर कौशिक द्वारा सह लेखक रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जब लाइफ में आप आगे बढ़ रहे होंगे, लाइफ में आप कुछ कर रहे होंगे, लाइफ में आप
तो आपको गिराने के लिए, मतलब वो एक आजकल रील बहुत ज्यादा चल रही है ना, कुत्ते बहुत भौंक रहे, लगता है हो गई तरक्की। ठीक, तो ऐसे कमेंट्स को मैं ध्यान नहीं देता। कौन होगा, क्या होगा, क्या पता। ठीक। ऐसे कमेंट्स पे मैं ध्यान नहीं देता, जो होगा वो होगा, क्या करना। कुत्ते बहुत भौंक रहे, लग रहा हो गई तरक्की, है ना। चिल करो लाइफ में हमेशा और आगे बढ़ो। लोग आएंगे आपको गिराने की कोशिश करेंगे आपको, हाँ, नीचे करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर आप सही हो, अगर आप सही हो, है ना, सामने खड़े रहो। हाँ, आप सही हो, सामने खड़े रहो, क्या दिक्कत है। मुझे कुछ हुआ नहीं हुआ। अच्छा, आगे देखो, यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात करें तो जी आर विश्वनाथ इसका सही जवाब होगा। ठीक है, जी आर विश्वनाथ जो है वो इसका सही जवाब होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। आगे चलो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच पे अभी आपको 60% डिस्काउंट मिल रहा है। और हाँ, अभी क्लास आपकी आगे भी चल रही है, अभी क्लास बंद नहीं हुई है, क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास चलेगी अभी आपकी। ठीक है, क्लास पूरी चलेगी, तो लाइव क्लासेस मिलेंगी। बाय चांस अगर क्लास छूट जाती है, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और क्लास के पीडीएफ आपको मिलेंगे। ठीक, डीपीपी उसी से संबंधित, जो आपको पढ़ाया गया उसी से संबंधित क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे ताकि आप तैयारी जांच पाए अपनी। सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्व मिलेंगे आपको जूम पे। अच्छा, ये तो बैच की बात आपने कर ली। बैच है आपका 599 का, ये आपकी किताबें हैं, देखो नोट्स हैं, किताब नहीं कह सकते इसको, ये क्लास नोट्स हैं आपके, एसएससी सीएचएसएल 2022 की क्लास नोट्स हैं, बहुत अल्टीमेट क्लास नोट्स हैं, बहुत अल्टीमेट, मतलब आप इन क्लास नोट्स का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। हाँ चल, कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, सब नोट्स एकदम अल्टीमेट, और वही इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, एकदम शानदार। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, नालायको, मार लगाऊं तुम्हें, खोपड़ियां फोड़ दूं, पढ़ाई नहीं होती है थोड़ी देर तुमसे, आज संडे को तुम्हें कहां जाना है। ठीक, तो ये नोट्स आपके, वैसे तो हम बात करें, ये नोट्स है आपके 2499 के, 2499 के, ये नोट्स कितने के हैं, 2499 के, लेकिन 60% डिस्काउंट है, 999 में मिल जाएंगे, जिसको भी पढ़ना है। क्लास नोट्स है, बढ़िया नोट्स है, पूरा फोटो वोटो लगी हुई है इसमें, अरे फोटो जबरदस्त, देखो तुम्हें दिखाऊं, ये देखो, जैसे अब देखो इसमें ये नोट्स है, ये जो है ना, ये तुम्हारा है जीएस, जीके जीएस का, जीके जीए का है। अब मैंने इसको खोल लिया, कहीं से भी खोल लो, ये एक तो स्टेट वाइज है, अब स्टेट वाइज कैसा है बताएं आपको, कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, इसको पढ़ लिया बस, हो लिया काम। देखो ये तमिलनाडु, तमिलनाडु का मैप में बता दिया कि तमिलनाडु कहां पर है। ठीक, अब तमिलनाडु का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भूगोल, इतिहास, ठीक, उसकी कला एवं संस्कृति, उसका अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, सब खत्म, टाटा बाय बाय, गया, सब यहीं पे खत्म हो जाएगा। राज्य व्यवस्था, इसकी पॉलिटी, और उसी से संबंधित कुछ, उसी से संबंधित कुछ, ऐसे करके पूरा एकदम अल्टीमेट है। ठीक, ये सब आपको कहां मिलेगा, एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन, वहां पे आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा नोट्स मंगाने का। चल ठीक, सिंगल बुक नहीं मिलेगा, पूरा ही मिलेगा बेटा, अनन्या बिटिया पूरा मिलेगा। ठीक, आगे देखो, आगे देखो, आगे चलेंगे हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ जो हमने क्वेश्चन ये वाला डिस्कस किया था, इससे संबंधित आगे हम बात कर रहे थे।
देखो ये क्या फ्लाइंग इट माई सॉरी प्लेइंग प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब। इनको ये सचिन तेंदुलकर साहब जी की है। किसकी है? सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ठीक। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, सिंगल बुक नहीं, जीके जीएस के नोट्स नहीं मिल पाएंगे, सभी मिलेंगे। हाँ, सभी सभी मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो ये युवराज सिंह की है। दोनों इंपॉर्टेंट है, युवराज सिंह की भी इंपॉर्टेंट है, सचिन तेंदुलकर जी की भी इंपॉर्टेंट है। एक उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसको बहुत मतलब युवा व्यक्ति जिसको युवा प्राप्त करता, भारत रत्न का युवा प्राप्त करता, भारत रत्न युवा प्राप्त करता, भारत रत्न का युवा प्राप्त करता कौन है? भारत रत्न का युवा प्राप्त करता कौन है? युवा प्राप्त करता कौन है? भारत रत्न का युवा प्राप्त करता कौन है? फटाफट से बताओ। हाँ, सभी 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 बताओ। हाँ, बहुत बहुत शांत। ठीक। और ये यहां से फिर अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये भी एक आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है? सौरभ गांगुली की, सौरभ गांगुली की, सचिन तेंदुलकर। क्या बात है, कितने वर्ष की आयु में मिला था? कितने? 40 वर्ष की आयु। ठीक, आगे है 281 एंड बियॉन्ड किसी मतलब एंड बियॉन्ड, तो ये किसकी है? ये वीवीएस लक्ष्मण की है, ये वीवीएस लक्ष्मण की है, ये याद रखना। ठीक, वर्ल्ड 2014 में मिला। ओह बहुत बहुत, पुतिन साहब आ गए क्लास में। आओ देखो अगला सवाल कि किसके द्वारा लिखित अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक जल्द ही जारी की जाएगी। फटाफट से इसका भी आंसर बता दो मुझे, सभी आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत शानदार, आज मजा नहीं आ रहा, नाचूं गाऊं के भांगड़ा पाऊं, क्या करूं कि तुम्हें मजा आ जाए। क्या करूं कि तुम्हें मजा आ जाए। पुतिन साहब तुम्हें कौन आग दिखा सकता है। चलो इसका आंसर बताओ, कहा गया है अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये किसकी पुस्तक है? ये किसकी पुस्तक है? इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ चल, चेतन भगत, हमें पता था तुम चेतन भगत की तरफ जाओगे, तुमने वही पढ़े होंगे। चलो ठीक। हाँ चलो क्लियर, इसका आंसर क्या होगा? ऋचा मिश्रा जो है वो इसका सही जवाब होगा, ऋचा मिश्रा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो यहां पर कह रहा है कि हाल ही में नोरोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ने NIF बुक प्राइज 2021 जीता है, इस पुस्तक के लेखक कौन? तो दिनयार पटेल का नाम आपको यहां से याद रखना है। ठीक, तो ये आपको यहां से याद रखना है। हाँ हाँ क्लियर, ये महत्वपूर्ण है। चल आगे देखो यहां पर हाल ही में किसके द्वारा जारी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर एक पुस्तक लिखी गई, इसके आंसर की बात करें। हाँ
इसके आंसर की बात करें तो एमएम नारायण भी आपको यहां से याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। एमएम नारायण भी आपको यहां से याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चल आगे देखो, अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज का विमोचन किया गया है, तो वहां से रचना विष्ट रावत जी का नाम आपको याद रखना है। किसका? रचना विष्ट रावत का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, चलो वेल डन, बहुत शानदार, क्लियर, ये आपको यहां से याद रखना है। आगे देखो, कह रहा है कि हाल ही में किसकी एक नई किताब है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्वीट्स एंड टर्न्स, इसका विमोचन किया गया है, तो आंसर की अगर हम यहां पर बात करें, आंसर हो जाएगा आसिम चावला। आंसर क्या होगा इसका? आसिम चावला जो है वो इसका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आगे देखो अगला प्रश्न, आगे हम अप्रैल के क्वेश्चंस की बात करेंगे, अभी हम मार्च तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन किया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली द बुक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये किसके द्वारा लिखी गई, फटाफट से बताओ सभी। हाँ सभी बताओ फटाफट से आंसर, वेल डन, चलो हाँ फटाफट से आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी ने बताना है आंसर, सभी आंसर करेंगे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, फटाफट से आंसर करो इसका। बहुत बहुत शानदार, यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो श्रीराम चौलिया जी का नाम आपको यहां से याद रखना है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फेमस बुक्स हैं, फेमस ऑथर्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक बनती है और संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है वहां से क्वेश्चन आने की, ठीक है। चल हाँ चल आगे देखो, अगला प्रश्न, अगला सवाल क्या है, अगला प्रश्न मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनकी हम बात करते हैं, ठीक। तो आपका एक तो हाल ही में जारी की गई उंगलिल ओरुवन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने जस्ट आपको बताई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट मैंने आपको बताई थी, अभी जस्ट मैंने आपके साथ में साझा करी थी, उंगलिल ओरुवन किसकी आत्मकथा है, तो ये एम के स्टालिन की है, किसकी है, एम के स्टालिन की आत्मकथा है, ठीक है। हाँ लंबे नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल भी लंबे नहीं है क्वेश्चन, ठीक। आगे चलो, हाल ही में किसके द्वारा लिखित ब्लू बुक द ब्लू बुक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो वहां पर आपको अमिताभ कुमार जी का नाम याद रखना है, ठीक है, अमिताभ कुमार का नाम याद रखना, ठीक। चल राम राम जी। हाँ आगे देखो, ब्लू बुक जस्ट मैंने आपको बताई थी, यहां से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक, बहुत ज्यादा है। और आगे अगर हम चलें तो नेक्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है कि ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया,
चल पांजी, प्रीवियस ईयर करा के क्या फायदा? प्रीवियस ईयर देखो, अभी अपडेटेड वाले इंपॉर्टेंट जो है ना उनको याद करो, उनको देखो, उनको याद करो। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसके द्वारा लिखित बिरसा मुंडा जनजाति नामक बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? बिरसा मुंडा जनजाति नायक ये बुक का टाइटल है और इसका विमोचन किया गया है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये? किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ठीक, चल हाँ, फटाफट से आंसर दो। वेल डन, बहुत बहुत शानदार, फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लंबा क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। हाँ, आंसर की बात करें तो इसका आंसर आलोक चक्रवाल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आलोक चक्रवाल सही जवाब होगा, इंपॉर्टेंट है। नमस्कार देवियों सज्जनों, चल ठीक है। आगे देखो, जब अभी समझ नहीं आ रहा ना, जब पेपर में तुझे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डे ड्रीम गुरु जो भी है ना, जब बेटा तुझे इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे ना, तब तू रोएगा कि कहां से पढ़ लिए। हाँ ओके, बाय बाय, आप जा सकते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित क्वीन ऑफ फायर नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा देविका रंगाचार्य। ठीक, क्वीन ऑफ फायर की बात की गई है। और किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका विमोचन किया गया है। तो यहां पर जे साई दीपक का नाम आपको याद रखना है, जे साई दीपक का नाम आपको यहां से याद रखना है। क्लियर है? आगे चलो। ठीक, आगे देखो, इससे संबंधित और प्रश्न है। जैसे पूछा जाए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये नवदीप गिल के द्वारा किया गया है। ठीक, हाँ, नवदीप गिल के द्वारा। वेल डन, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। नवदीप गिल का मैं आपको बता चुका हूं, नवदीप गिल की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूं मैं। यहाँ पर राजीव कुमार भाटिया की है तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजंस जो है ये पुस्तक का टाइटल है, ये इतनी ज्यादा यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका आंसर बताओ जोधानी मनुभाई, अमीश त्रिपाठी, फरीद जकारिया, अश्विनी श्रीवास्तव। फटाफट से बताएं कि आंसर क्या हो जाएगा।
फटाफट से आंसर बताओ। अश्विनी श्रीवास्तव जो है वो इसका सही जवाब होगा। आगे देखो अगला प्रश्न। आगे अगर हम बात करें कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, द ग्रेट टेक गेम, ये अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपर। ठीक है, ये भी मैंने बताया था पेपर, तो इसको भी मैंने आपको बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। हाँ, यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, जिम्मी 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 आजा आजा आजा, है ना, जिम्मी बताया था मैंने, जब भी पेपाल आएगा तो जिम्मी 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 आजा आजा आजा, तू आजा मेरे पास। हाँ ठीक, आगे चलो यहाँ पर कि किसकी आत्मकथा है, द अंबुजा स्टोरी का विमोचन किया गया है, तो नरोत्तम शेखरिया का नाम, शेख सरिया का नाम यहां से याद रखना, नरोत्तम शेख सरिया का नाम जो है वो आपको यहां से याद रखना। आगे चलेंगे, हाल ही में किसके द्वारा जारी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर एक पुस्तक लिखी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, एमएम नारायणवे, आपको यहां से याद रखना। ठीक, एमएम नारायणवे जो है वो आपको यहां से याद रखना। ठीक है जी, क्लियर है जी, हाँ जी ठीक है जी, क्लियर है जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। आगे चलो अगला प्रश्न देखो कि हाल ही में किसे किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, हियर योर सेल्फ, हियर योर सेल्फ, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हाँ वेल डन, बहुत बहुत शानदार, फटाफट से बता दो इसका आंसर, हियर योर सेल्फ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हाँ तो आंसर की बात करें, फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम रावत जो है वो इसका सही जवाब, प्रेम रावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, प्रेम रावत जो है वो इसका सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा, क्या होगा, प्रेम रावत। ठीक, आगे देखो, आगे आपका इससे रिलेटेड, जैसे अगर मैं बात करूं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर जय साई दीपक का नाम याद रखना है, बार बार आ रहा है, याद हो गया होगा। फिर कह रहा है यहां पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो यहां से इसका नवदीप सिंह गिल का नाम, मैं आपको इसको तो इंपॉर्टेंट भी मार्क करा चुका हूं, मैं तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी करा चुका हूं। ठीक है, हाँ मैं तो इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करा चुका हूं। आगे देखेंगे यहां पर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजंस, एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया, तो राजीव कुमार भाटिया का नाम आपको यहां से याद रखना है, और किसके द्वारा जारी किया गया, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर एक पुस्तक लिखी गई है, तो वो एमएम नारायणवे। ठीक, यहां से एमएम नारायणवे का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका विमोचन किया गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ चल फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो इसका आंसर। एप्लीकेशन अनुज मिश्रा जी, मोबाइल पे अगर आपका विंडो 11 होगा तो शायद मोबाइल पे चल पाएगा, अदरवाइज मोबाइल पे आप नहीं कर सकते, एप्लीकेशन पे ही एक बार में एक ही डिवाइस में लॉगिन होगा, वो भी आप दो डिवाइस में लॉगिन नहीं कर सकते, मतलब अगर आप लॉगिन तो कर लेंगे लेकिन पता चले आप टैबलेट में चला रहे हैं या फिर मोबाइल में चला रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप एक ही उसमें चला पाएंगे, यूज कर पाएंगे, दो डिवाइस में यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दो डिवाइस में यूज नहीं कर पाएंगे। यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजेश तलवार जो है वो इसका सही जवाब होगा,
राजेश तलवार जो है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में जारी की गई उंगलिल ओरुवन आत्मकथा किसकी है? तो ये एमके स्टालिन की है। उंगलिल ओरुवन जो है ये आत्मकथा किसकी है? एमके स्टालिन की है। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। मैंने बताया ममता बियॉन्ड भी बताई मैंने, जयंत घोषाल, ये जयंत घोषाल जी की पुस्तक। ये दोनों पुस्तकें जो दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इनको, याद कर लो। ठीक है, इनको याद कर लो, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आगे चलते हैं यहाँ पर, हाँ आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है द ब्लू बुक, ये अमिताभ कुमार की है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बात की गई है, तो यहाँ से नवदीप सिंह गिल का नाम आपको याद रखना है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल, ये आपको यहाँ से याद रखना है, महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ठीक, हाँ आपके लैपटॉप में सपोर्ट कर रहा है, गुड है अनुज जी, बहुत सही बात है। बट बेटा एक बार चेक कर लेना, शायद दो डिवाइस में एक साथ नहीं चलेगा, मतलब फिर आपका मोबाइल से अपने आप लॉग आउट हो जाएगा अगर वहां लॉग इन करेंगे, और अगर मोबाइल में लॉग इन करेंगे तो वहां से अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। ठीक, चल आगे देखो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने दो पुस्तकें द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया का विमोचन किया है, ये किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, अशोक गहलोत। हाँ, ये विमोचन जो है ये किसके द्वारा किया गया है, ये विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है। ठीक, हाँ नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है। नहीं, कोर्स नहीं जाएगा अनुज, अगर आपके एक नंबर पे कोर्स लिस्टेड हो गया फिर वो नहीं जाएगा। ठीक है, राम राम जी, अगर एक बार कोर्स लिस्टेड हो जाता है फिर वो नहीं जाता है कहीं। ठीक, यहां से नवीन पटनायक आपको याद रखना है। आगे चलेंगे यहां पर, और अभी मैंने जस्ट आपको ये क्वेश्चन बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमके स्टालिन की आत्मकथा है उंगलिल ओरुवन, द मिलेनियल स्टोरी, द मिलेनियल योगी, द मिलेनियल योगी, ये कैप्टन दीपम चटर्जी की पुस्तक है। ठीक, कैप्टन दीपम चटर्जी की पुस्तक है, कैप्टन दीपम चटर्जी की पुस्तक है, तो ये याद रखना। ठीक, राम राम जी। आगे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, फिर आ जाता है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित ममता बियॉन्ड, तो ये जयंत घोषाल की पुस्तक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा चुका हूँ। ठीक है, या नवदीप सिंह गिल जी की मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराई हुई, तो ये पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एमके स्टालिन की आत्मकथा, ये वाली पुस्तक, एक ये वाली पुस्तक, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, हाँ जो कि आपको यहां से याद रखनी है। अब आगे एक सवाल मैं आप सभी को देके जा रहा हूं, इसका आंसर आप सभी मुझे ऑफलाइन में कमेंट करके बताएं। इसका आंसर क्या करेंगे आप सभी मुझे ऑफलाइन में कमेंट करके बताएंगे, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक है गेटिंग द ब्रेड द जैन जेट वे टू सक्सेस। गेटिंग द ब्रेड द जैन जेट वे टू सक्सेस, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा, और इसका आंसर आप सभी मुझे ऑफलाइन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, और आज की इस क्लास को फिर इसी के साथ में एंड करेंगे, कल मुलाकात होगी 5 बजे, कल हम लोग 5 बजे मिल रहे हैं, कल 5 PM पे आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, निकल लो, आप सभी अपना ध्यान रखिए।